नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके लिए एक नया जॉब लेके आया हूँ और वो भी गवर्नमेंट जॉब है। और आप यहाँ पे देख ही रहा है कि कंपनी का जो जॉब है, एक्चुअली एक्चुअली कंपनी नहीं, एक गवर्नमेंट का जॉब है, टोटली सीआरपीएफ से आया हुआ है। आप सभी जानते सीआरपीएफ के बारे में, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। तो रिजर्व रखा जाता है इस तरीके से पुलिस फोर्स को, किसी भी जगह पे अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो इस तरीके से फोर्स जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि करीबन 9212 टोटल कांस्टेबल का पोस्ट दिया गया है, जहाँ पे टेक्निकल के डिपार्टमेंट में है और ट्रेड्समैन के डिपार्टमेंट में ही आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा जॉब के डिटेल्स, साथ ही साथ किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कौन सा लिंक में जाकर आपको अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस जॉब के इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। और मेरा नया सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं कंप्यूटर स्किल का, जाकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी इंटरव्यू उस मतलब वो कंप्यूटर स्किल देखेंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, करीबन करीबन जो 9212 जो वैकेंसीज है वो सेंट्रल पुलिस फोर्स से रिकमेंड किया जा रहा है। और टोटली जो जॉब है वो कंस्टेबल के लिए पोस्ट है और ट्रेड्स मतलब टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए मतलब 9105 वैकेंसीज और फीमेल के लिए 107 वैकेंसीज। और यहाँ पे देख सकते हैं मेल के लिए कितने वैकेंसीज है। जो ड्राइवर के लिए पोस्ट है 2374, मोटर मैकेनिक के लिए पोस्ट है 544, कंस्टेबल के लिए 151 पोस्ट, यहाँ पे देखिए कारपेंटर के लिए 139 पोस्ट, टेलर के लिए आपको 242, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रास बैंड के लिए 172, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पाइप ब्रांड 51, यहाँ पे देख सकते हैं बगलर के लिए आपको 1340। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी मतलब प्रिंटर है, कुकर है, वॉचमैन है, यहाँ पे देख सकते हैं बार्बर है, सफाई वाला है। तो हर किसी के लिए पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। फीमेल के लिए कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं है, फिर भी 107 पोस्ट दिया गया है, जिनमें यहाँ पे देख सकते हैं बबलर्स के लिए 20 पोस्ट, कुकिंग डिपार्टमेंट में एंड वाटर कैरियर्स के ऊपर 46, यहाँ पे देखिए वॉश वुमेन्स के लिए 3 पोस्ट दिया गया है, हेयर ड्रेसेस के लिए 1 पोस्ट, सफाई वाला कर्मचारी के लिए 13 पोस्ट, एंड यहाँ पे देखिए ब्रेस ब्रांड के लिए आपको 24 दिया गया है। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो कांस्टेबल के लिए ड्राइविंग पोस्ट के लिए 21 से 27 और अदर्स पोस्ट के लिए 18 से 32 23 के आसपास एज लिमिट दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल एक्सटेंड किया गया है और एससीएसटी के लिए 5 साल एक्सटेंड किया गया है। तो इस एप्लीकेशन के प्रोसीड्योर करने के लिए आपको कुछ सीवीटी टेस्ट मतलब कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल जो जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पीएससी टेस्ट उसको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। तो कुछ टेस्ट आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन हो पाएंगे। सैलरी पैकेज 21,700 से करीबन 70,000 के आसपास मिलेगा। एप्लीकेशन का फीस 100 रुपीज के आसपास जनरल ओबीसी के लिए देना पड़ेगा, एससी एसटी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो ड्राइवर पोस्ट के लिए आपको 10 स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ आपको हेवी व्हीकल्स गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। और आप मैकेनिक्स मोटर मैकेनिक्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आईटीआई से मैकेनिक्स के पास आउट होना चाहिए, उसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी गैरेज में आप काम कर चुके हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी देखिए अदर्स जो पोस्ट है वो सारे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जाकर चेकआउट करिए। तो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन सबके लिए आपको 10+ लेवल पास आउट होना चाहिए। इसका लास्ट डेट रहेगा 25 अप्रैल, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। किस तरीके से अप्लाई करेंगे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दो लिंक आपको मिलेगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो आपको इस वेबसाइट में लेके आएंगे। उसके बाद आपको अप्लाई बटन और नोटिफिकेशन दोनों में क्लिक करना तो अलग अलग पेज ओपन हो जाएगा। अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा और उसके बाद आपको अप्लाई बटन भी दिखेगा, तो जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप नोटिफिकेशन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं कौन सा डेट दिया गया है, कौन सा नोटिफिकेशन में जो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखा हो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी आपको मिलेगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, अलग अलग पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए आप डिटेल्स देखिए उसके बाद अप्लाई करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।